दोस्तों टेक्निकल प्रजा में आपका स्वागत है और मैं आज आपको टॉप फेल स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले इस लिस्ट में जो फ़ोन आता है वो है फेसबुक फ़ोन, जिसे फेसबुक होम भी कहा जाता है। इस फ़ोन को मिलकर बनाया था HTC और फेसबुक ने, और सबसे अच्छी बात इस फ़ोन की ये थी कि आपको इसके अंदर फेसबुक की स्किन देखने को मिलती थी ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉयड, यानी कि एंड्रॉयड के ऊपर अच्छी स्किन देखने को मिलती थी। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, यूनिक कॉन्सेप्ट था, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस फ़ोन में आपको देखने को मिलती थी। प्रॉब्लम बस एक ही थी, जो HTC का फेसबुक फ़ोन था उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, हार्डवेयर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था और कुछ इतना स्पेशल नहीं था, और जो चैट हेड का कॉन्सेप्ट था ना वो भी फेसबुक फ़ोन से ही लेके आया था। और फेसबुक ने काफ़ी अच्छी कोशिश की थी स्मार्टफोन वाले मार्केट में घुसने के लिए, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे अच्छे फ़ोन थे, एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल थे, और लोगों ने सोचा कि क्यों ना उन फ़ोन को लिया जाए जो कि ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है और जो ज़्यादा अच्छा ओवरऑल फ़ोन है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी राउंड का। ये एक कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन था जिसे सैमसंग ने बनाया था। मतलब सैमसंग ने सोचा था अगर फ्लैट डिस्प्ले वाले फ़ोन बिक सकते हैं तो क्यों ना कर्व डिस्प्ले को तैयार किया जाए। लेकिन ये जो कर्व था ना, इसमें उन्होंने सीधा ना करने की बजाय उल्टा कर्व तैयार कर दिया। और देखा जाए तो काफ़ी सारी कंपनीज अपने दूसरे कर्व फोन्स भी निकालने लगी, जैसे LG का जी फ्लैक्स निकला था। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि जो कर्व फोन्स थे वो लोगों को कभी पसंद ही नहीं आए, और इसे पॉकेट में रखने को दिक्कत होती थी। मतलब लोगों ने क्या किया कि कर्व फोन्स लेने की बजाय जो फ्लैट स्क्रीन फ़ोन थे ना उसकी तरफ लोग मूव ऑन कर गए। और इसके बाद नंबर आता है सोनी एक्सपीरिया प्ले का। सोनी ने सोचा था कि एक्सपीरिया नाम से हम एंड्रॉयड फ़ोन्स तो बना ही रहे हैं, तो क्यों ना जो प्ले स्टेशन पोर्टेबल है PSP, उसे क्यों ना इंटीग्रेट किया जाए एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, यानी कि प्ले स्टेशन का एक्सपीरियंस किसी फ़ोन में दिया जाए। देखने को सुनने को काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। प्रॉब्लम बस यही थी कि ये जो फ़ोन थे ये एंड्रॉयड बेस्ड था, स्लाइडिंग कीपैड मैकेनिज्म इसमें आपको देखने को मिलती थी जिसका यूज़ करके आप गेम्स वगैरह खेल सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यही था कि ज़्यादातर जो गेम्स थे और जो एप्लीकेशन थे उनके साथ ये कंफर्टेबल नहीं था। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बल्की हो गया था और लोग थे ना वो टच स्क्रीन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे बजाय एक कीपैड फ़ोन लेने की। मतलब लोगों को कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि वो एक डेडिकेटेड कीपैड वाले फ़ोन को ले और उसका यूज़ करके वो गेम्स खेले। सोनी ने कोशिश तो अच्छी की थी एक बढ़िया गेमिंग फ़ोन को बनाने की, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गए। लेकिन अगर वो आज की डेट में मार्केट में ऐसा कुछ काम करे तो क्या पता वो सक्सेस भी हो जाए। उस समय जो लोग थे वो ज़्यादातर एंग्री बर्ड्स खेलते थे, तब PUBG का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, लेकिन आज की डेट में कहानी कुछ अलग हो गई है। और इसके बाद नंबर आता है ब्लैकबेरी Z10 का। ये एक स्पेशल ब्लैकबेरी ने फ़ोन निकाला था, ये एक टच स्क्रीन फ़ोन था, ये ब्लैकबेरी OS 10 पे चलता था। और सबसे अच्छी बात इस फ़ोन की ये थी कि ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता था। लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम हमें इस फ़ोन में देखने को मिली। मतलब फ़ोन का डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं था, फ़ोन का जो टच स्क्रीन कंट्रोल थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और जो ब्लैकबेरी OS 10 था वो इतने अच्छे नहीं थे iOS और एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले, इसलिए ये फ़ोन मार्केट में इतना ज़्यादा बिका नहीं। और जो पूरा मार्केट शेयर था ब्लैकबेरी का वो आगे जाके एंड्रॉयड और iOS ने कैप्चर कर लिए। और 2015 में ब्लैकबेरी ने अपना जो मोबाइल बिजनेस था उसको TCL को बेच दिया। तो आप लोग को भी पता होगा कि आज के डेट में हमको जितना भी ब्लैकबेरी का फ़ोन्स देखने को मिलते हैं वो TCL ही बनाता है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी फ़ोन की तरफ, जो कि है गूगल की तरफ से गूगल प्रोजेक्ट एरा। गूगल प्रोजेक्ट एरा की बात करें तो ये एक गूगल की तरफ से कॉन्सेप्ट फ़ोन था, ये एक मॉड्यूलर फ़ोन था, और इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि जिस तरीके से आप PC को असेंबल करते हैं ना, इसमें आपके फेवरेट हार्ड डिस्क, SSD, RAM, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड डालते हो, ठीक उसी तरीके से क्यों ना फ़ोन को भी असेंबल किया जा सके, यानी कि अलग अलग मोड्स होंगे जिससे आप अपने फ़ोन में डाल सकते हो। तो जैसे बड़ी बैटरी चाहिए तो बड़ी बैटरी का मोड, अच्छा कैमरा चाहिए तो अच्छा कैमरा का मोड, अच्छा प्रोसेसर चाहिए तो उसका मोड, अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो उसका मोड। कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा कूल था, लेकिन ये अपने समय से आगे की चीज़ थी, और टेक्नोलॉजी वैसे जो चीज़ उन्होंने इमेजिन की थी ना
उसे टेक्नोलॉजिकली और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ था। इसलिए जो गूगल का प्रोजेक्ट आरा कॉन्सेप्ट है ना, वो उन्होंने आगे चल के ड्रॉप कर दिया, क्योंकि जो मॉड्यूलर फ़ोन का कॉन्सेप्ट था ना, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी और आगे चल के हमें ये देखने को नहीं मिली। लेकिन फ्यूचर में भी ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छी हो जाए तो क्या पता जो प्रोजेक्ट आरा जैसा कॉन्सेप्ट है या फिर मॉड्यूलर फ़ोन का कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ें हमें फ्यूचर में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, क्या आप मॉड्यूलर फ़ोन फ्यूचर में यूज़ करना पसंद करोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर असम कंटेंट।